हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चले गाइस, आज के वीडियो में सिखाऊंगा कि कंप्यूटर से पेंट कैसे निकालते हैं। कई सारे आपके कंप्यूटर में फाइल है पीडीएफ वर्ड और एक्सेल की, लेकिन इस फाइल को आपको प्रिंट निकालना है तो गाइस उसमें आसान तरीके प्रिंट निकाल सकते हो। तो चले गाइस, आगे वीडियो मैंने सिखाया था कि कंप्यूटर में प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद उसमें कैसे इंस्टॉल करें, लेकिन अभी तक हमारे इस वीडियो नहीं दिखा है तो गाइस वहां से आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप भी देख सकते हो। तो चले गाइस, आज के वीडियो में सिखाऊंगा कि कंप्यूटर से प्रिंट कैसे निकालते है। तो चले गाइस, इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते है। वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा नया वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले गाइस, इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले गाइस आपको पीसी को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद गाइस आपको उसमें फाइल ओपन कर देना है। जिस फाइल का आपको प्रिंट निकालना है वही आपको फाइल ओपन कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद गाइस उसमें जो हमारा पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ का वहां से प्रिंट निकाल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले गाइस आपको फाइल को ओपन कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैंने उसमें जो हमारा पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ का वहां से मैं प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको कीबोर्ड से कंट्रोल पी करके वहां से आपको प्रिंट निकाल सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल पी किया तो वही हमारा जो प्रिंट का बॉक्स आ गया है। तो इस तरह आपको प्रिंट निकालना है तो वहां से आप भी निकाल सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैं दूसरी जगह से आपको बता देता हूँ सभी ऑप्शन के बारे में। तो वहां से मैं क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद गाइस वहां से आपको एमएस वर्ड ओपन किया है तो सबसे पहले गाइस आपको जाना है ऑफिस बटन पे क्लिक कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां से आपको ऑफिस बटन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट में जाना है और प्रिंट में जाने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, वहां से आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, वहां से आपको कई सारे ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे तो वहां से आपको पेज पे क्लिक कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो वहां से आपको पेज को जूम इन जूम आउट करना है तो वहां से आपको जूम का ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। तो चले गाइस, वहां से मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां से आपको जूम पे क्लिक कर देना है तो वहां से आपको जूम इन जूम आउट करना है। तो वहां से आप साइज बढ़ाना है तो वहां से आप बढ़ा सकते हो और वहां से आपको 100 सिलेक्ट करना है तो वहां से आप 100 सिलेक्ट कर सकते हो। तो चले गाइस, दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन, तो वहां से आप साइज सिलेक्ट करना है तो वहां से आप कर सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज वहां से आपको लैंडस्केप में हो गया है। तो इस तरह आपको पेज को प्रोटेक्ट और वहां से आपको लैंडस्केप करना है तो वहां से आपको ओरिएंटेशन में जाके क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह वहां से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चले गाइस, वहां से आपको मार्जिन सिलेक्ट करना है तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैं नॉर्मल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह वहां से आपको पेज को सेट करना है तो वहां से आप पिक कर सकते हो और सेट करने के बाद गाइस वहां से आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो चले गाइस, वहां से मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद वहां से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे प्रिंट का, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद वहां से आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। जिस आपको प्रिंटर है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चले गाइस, वहां से हमारा जो एचपी का प्रिंटर है तो गाइस वहां से मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह वहां से आपको सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद गाइस वहां से आपको जाना है नीचे और नीचे आने के बाद वहां से आपको नंबर ऑफ कॉपी देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आपको चले गाइस, वहां से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो वहां से आपको नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट करना है, जितना आपको कॉपी निकालना है इतना वहां से आपको सिलेक्ट करके निकाल सकते हो। तो चले गाइस, वहां से हमने हाईलाइट करके आपको बता दिया है। तो इस तरह वहां से आपको लिखना है। तो चले गाइस, हमारा जो वन लिख रहा है तो चले गाइस वहां से मैं टू लिख देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा टू कॉपी निकालना है तो वहां से आपको टू सिलेक्ट करके कॉपी निकाल सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैंने लिख देता हूँ टू, वहां से हमने दो लिख दिया और लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करके प्रिंट निकालना है। तो इस तरह आपको प्रिंट निकाल सकते हो। तो चले गाइस, वहां से हमारा जो पेज रेंज है तो उसमें जो हमारा तीन ऑप्शन है तो वहां से हमारा जो साइट में तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चले गाइस, वहां से मैं इस तीन ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको जाना है साइट में। तो चले गाइस, वहां से मैं साइट में आके आपको जूम करके बता देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा जो तीन ऑप्शन है तो इस तीन ऑप्शन के बारे में वहां से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चले गाइस, वहां से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो गाइस, वहां से मैंने जूम करके आपको बता दिया है तो उसमें तीन ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे
ऑल करंट पिच और पिच, तो तीनों का उपयोग क्या होता है, तो चलिए गाइस वास्तव में आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने जिस फाइल बनाए लेकिन उसमें जो सभी पेज है, तो सभी पेज आपको प्रिंट निकालना है, तो वहां से आपको ऑल सिलेक्ट करना है, और ऑल सिलेक्ट करने के बाद आपको साइट में नंबर ऑफ कॉपी देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको जितना कॉपी निकालना है इतना आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो, तो इस तरह आपको ऑल का उपयोग कर सकते हो। तो चले गए दूसरा ऑप्शन है करंट पेज। तो करंट पेज का उपयोग क्या होता है, तो मान लीजिए आपने फाइल बनाए लेकिन गाइस उसमें 15 पेज है, लेकिन आपको 15 पेज नहीं निकालना है, आपको जो 7 नंबर का पेज निकालना है, तो आपको 7 नंबर पे क्लिक करके करंट पेज को सिलेक्ट करके पेज निकाल सकते हो, तो इस तरह आपको जिस पेज पे क्लिक करोगे तो वही आपको प्रिंट निकलेगा, तो इस तरह आपको करंट पेज का उपयोग कर सकते हो। तो चले गए तीसरा ऑप्शन है पेज। तो पेज का उपयोग क्या होता है, तो मान लीजिए आपने जिस फाइल बनाए लेकिन गैस उसमें आपको 15 पेज है, लेकिन आपको प्रिंट निकालना है, लेकिन आपको 15 पेज है, तो इस 15 पेज को आपको प्रिंट नहीं निकालना है। मान लीजिए आपको 15 पेज आपने जिस फाइल है, तो उसमें गैस आपको 3 नंबर का और 7 नंबर का प्रिंट निकालना है, तो इस तरह आपको टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हो। तो चले गए वहां से मैं आपको बता देता हूँ तो किस तरह आपको टाइप करना है। तो मान लीजिए आपको 15 पेज का फाइल है, उसमें गाइस आपको 3 नंबर और 7 नंबर का पेज का प्रिंट निकालना है, तो भाई आपको टाइप करके निकाल सकते हो। तो चलिए गाइस वहां से मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, तो इस तरह आपको देख सकते हैं कि वहां से मैं टाइप कराओ 3 नंबर और वहां से आपको लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आपको 7 लिखना है। जिस नंबर का आपको प्रिंट निकालना है वही आपको टाइप करना है। मान लीजिए हमारा जो 15 पेज का फाइल है उसमें हमारा 3 नंबर का और 7 नंबर का प्रिंट निकालना है, तो इस तरह आपको लिख देना है, और लिखने के बाद आपको कॉपी सिलेक्ट करना है, जितना आपको कॉपी निकालना है इतना कॉपी लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह आपको 3 ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। तो चलिए गाइस वहां से मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि ऑल का उपयोग क्या होता है, और करंट पेज का उपयोग क्या होता है, और पेज का क्या उपयोग होता है, तो इस तरह आपको प्रिंट निकाल सकते हो। तो चलिए गाइस वहां से हमारा जो पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ का हमारा प्रिंट निकालना है, तो चलिए गाइस वहां से मैं प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ। तो वहां से मैंने नंबर ऑफ पेज है, तो उसमें हमने एक कॉपी सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद वहां से मैं ओके पे क्लिक करके आपको प्रिंट निकाल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चले गए सभी देख सकते हैं कि वहां से हमने जो सभी ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन के बारे में वहां से हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो इस तरह वहां से आपको प्रिंट निकाल सकते हो। तो चले गए वहां से हमारा जो इस पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ का वहां से मैं प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ। तो वहां से चले गए वहां से मैं आपको फुल स्क्रीन में बता देता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि हमारा इस प्रिंटर है HP का, तो अभी देख सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ पे वहां से मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो वही हमारा प्रिंट निकल जाएगा। तो चले गए वहां से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि वहां से मैंने ओके पे क्लिक किया, तो वहां से हमारा जो प्रिंट है, तो इस प्रिंट वहां से हमारा निकल रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटर से प्रिंट हमारा निकल रहा है। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट वहां से निकल गया। तो अभी देख सकते हैं कि जो भी हमारा पैराग्राफ था, तो इस पैराग्राफ का वहां से हमारा प्रिंट निकल गया है। तो गाइस इस तरह आपको प्रिंट निकालना है, तो वहां से आपको इस तरह प्रिंट निकाल सकते हो। तो वहां से हमने जो सभी ऑप्शन था, तो इस ऑप्शन वहां से हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो इस तरह वहां से आप भी उपयोग कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।